टुडे वी विल डिस्कस द किचॉफ सेकंड लॉ. सो क्वेश्चन इज डिफाइन किचॉफ वोल्टेज लॉ. किचॉफ वोल्टेज लॉ को ही हम किचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है. सो किचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड पाथ अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इन अ सर्किट इक्वल्स टू जीरो. मतलब कि क्लोज्ड पाथ में जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है वो बराबर है जीरो के. ये हमें KVL बताता है, किचॉफ वोल्टेज लॉ बताता है, ठीक है. सो हमारे पास एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है. यहाँ पे हमारे पास तीन वोल्टेज है V1 और V2. इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा. सो -V+V1+V2=0. इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो के बराबर है. हमें यही किचॉफ वोल्टेज लॉ बताता है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज राइज फ्रॉम द एलिमेंट. मतलब किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस कितनी एलिमेंट कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो बराबर है किसी एलिमेंट से कितनी वोल्टेज राइज हो रही है उसके. ये भी किचॉफ्स लॉ की एक अलग स्टेटमेंट है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचॉफ्स मेश लॉ और KVL. किचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम किचॉफ्स मेश लॉ भी बोलते हैं और KVL भी बोलते हैं, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Make a subscribe my channel for more latest videos.